प्लेसेस ऑन टेबल। अरे वाह आंटी, अब तो आप भी ट्रिक सीख गए। ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक सिखाया तुमने। अब किटी पार्टी में मैं तो रमी क्वीन बन जाऊंगी। बिल्कुल आंटी, यू आर अ प्रो नाउ। थैंक्स अ लॉट बेटा, अब तो खेलने में भी मजा आएगा। इस घर में सबको क्या हो गया है? गाइस, हे रिया, कैसा रहा तेरा दिन आज? बहुत लंबा। हे लिसन, मैं आंटी को ट्रिक सिखा रहा हूँ, कम जॉइन अस। नो मैन, यू गाइस कंटिन्यू, आई विल गो अपस्टेयर्स एंड शावर। तू ना कबीर के पीछे पड़ना छोड़ दे। हर वक्त कभी ने ये किया, कभी ने वो किया, जस्ट गेट ओवर इट मैन। लेकिन वो ऐसे बिहेव क्यों करता है? Why can't he be normal? पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? You need a guy in your life. मतलब? You're just not used to men. हाँ, तुमने तो PhD किए ना लड़कों में? Masters तो किया है। PhD के level का उनमें जानने लायक कुछ है ही नहीं। I'm serious यार। उनमें दो तीन कैटेगरीज होती है और सब लोग उसी में फिट आ जाते हैं। ओके, निखिल किस कैटेगरी में आता है? आई डोंट नो, मैंने उसके बारे में सोचा नहीं। ओके, और कबीर? यार मायरा, अब तो मेरा इंटरव्यू लेगी। चलो लास्ट क्वेश्चन, हु इज बेटर, निखिल या कबीर? तू पागल हो गई मायरा, देयर इज नो कंपैरिजन। अरे तुमने ही तो कहा था देयर आर लाइक 2-3 कैटेगरीज, तो मैं बस पूछ रही हूँ वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आई मीन मोस्ट मेन, नॉट ऑल, नॉट निखिल, नो आई मीन नॉट कबीर। समझ गई। क्या समझ गई? वो तो है अलविदा। ओ शट अप मायरा, हजारों में अकेला सदा तुमने देखा, पुनर को न दे, वो तो है अलविदा। हजारों में अकेला सदा तुमने देखा। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। हेलो
भरी चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक। नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी